अंदर डाल के मैं ले। ओ यार वो जा रहा है वो सामने। ओ तेरी खैर, जल्दी आओ यार। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? ओ ओ डक्स। ओ यार दोस्तों, हमारे रैबिट्स गमले में जो पौधा लगा था उसको खाई जा रहे हैं। नीचे से सारा उन्होंने फिनिश कर दिया, ऊपर से थोड़ा सा रह गया वो भी खाई जा रहे हैं। और हमारी डक्स ने ये हाल देखने क्या कर दिया फाउंटेन का। अब मैं फाउंटेन के अच्छे तरीके से सफाई करके पानी फ्रेश करता हूँ। वो इधर पेट हाउस की भी सफाई करते हैं, काफी गंद हुआ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। आपने वीडियो के एंड तक देखना, स्किप नहीं करना। और जो दोस्त हमारे चैनल पे न्यू आए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जल्दी जल्दी मिनी ज़ू बना सकें। दोस्तों माशाल्लाह हमने सारे पेट हाउस की अच्छी तरीके से सफाई करके सब पेट्स को खाना दे दिया। पहले की तरह हमने तीन किस्म का खाना दिया, चारा दिया कटा हुआ चारा, और यहाँ पे काफी ज्यादा दाना गिराया वही खा रहे हैं हमारे पेट्स। और इस तरफ हमने फिश फाउंटेन की भी सफाई करके उसके अंदर पानी भरा जा रहा है। हमने टर्टल को और फिशेज को छोड़ दिया लेकिन नजर नहीं आ रहे। हमने काफी कोशिश की है साफ पानी रहे लेकिन फिर भी गंदा हो गया। हमने बड़े वाले टर्टल को इसके अंदर छोड़ा था, उसने सारा पानी गंदा कर दिया, फिर मैंने उसको बाहर निकाल दिया। कहाँ पे फिर रहा यार हरीश? कहाँ पे ये फिर रहा है? इस बड़े वाले को हमने बाहर निकाल दिया, हमारी फिशेज ना खा जाए। बाकी जो हमारे पास चार छोटे थे वो अंदर ही हैं। मुर्गा आज अच्छी हरकतें नहीं कर रहा, जो भी करीब आता उसको मारता रहता है। डस को भी मार रहा आज, इस मुर्गी को अभी इसने मार के इधर भगा दिया। मैंने फिर इधर दाना गिरा दिया, मैंने कहा आप इधर खा लो। और दोस्तों हम अपनी निगरानी में इन चिक्स को भी छोड़ देते हैं। आज आप ही आ जाओ। माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया छोटू। यार इसके पाँव पे क्या हुआ? ये वाला जख्म है छोटा सा, मुझे लग रहा कोई चीज़ इसके पाँव के ऊपर चढ़ी है। चलो आप भी घूमो पेट हाउस में। दोस्तों आज हमारे पेट हाउस में ये दो कज़न आए हुए हैं हमारे, इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ये बिसाम भाई हैं और ये हारिश भाई हैं। इनका 1 से 1.5 करोड़ रुपये का कैटल फार्म का सेटअप है। इनके सेटअप में मैंने जाके वीडियो बनाई थी, बड़ी अच्छी वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आपने वीडियो ज़रूर जाके देखनी है। मुझे सारे जानवरों का हारिश भाई ने इंट्रोडक्शन करवाया था। अब जा यार हमारा जो फैंसी मुर्गा नीचे है ना उसको ले। और मैं इन बटेरों को छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा ये भी पेट हाउस में इंजॉय कर लें। डब को नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये उड़ती हैं। आ जाओ बटेरो, आप आ जाओ। ये हमारे बटेरे आ गए, एक ये दो। ओ यार चूजा मारने के लिए आ गया, उसको ले आए मुर्गे को। चलो गुड हो गया, इसको छोड़ देते हैं और गब्बर को पकड़ के बंद कर देते हैं। उसकी तरफ कहाँ जा रहा है लड़ने के लिए? इधर आओ। ओ यार हमारे स्विमिंग पूल के अंदर चलाई है। दोस्तों कब से ट्राई कर रहा हूँ गब्बर को पकड़ने की, पकड़ा ही नहीं जा रहा। अब मैंने थोड़ा सा मुनफरी तरीका इस्तेमाल करते हैं, ये इसके आगे करूँगा ना ये उछल के आएगा, फौरन इसको पकड़ लूंगा मैं। ये पकड़ लिया दोस्तों इसको। अब इसको केज में बंद कर देते हैं, एक मिनट इसको उछाल के देखें ये उछलता है कि नहीं। वो तेरी है, ये भी बड़ा कमाल का मुर्गा है हमारा। चलो इसको केज में बंद कर देते हैं। गब्बर को हमने जैसे ही बंद किया हमारी अकबर और जोधा फौरन से नीचे आ गई। इनको पता चल जाता है अब हमारा जो दुश्मन है वो केज के अंदर बंद हो चुका है, अब हम नीचे आ जाएं। वो देखे फौरन आ गई। ओए ये क्या हुआ था? डक्स मारने जा रही थी गब्बर को। दोस्तों ये हमारे पैरट्स के लिए खाना आ गया, इनको पहले हाथ से ट्राई करता हूँ, हाथ से खाते हैं कि नहीं। अगर नहीं खाएंगे तो फिर हम इसको नीचे रख देंगे। एक आ गया, वो भी डर रहा है बेचारा, बाकी सारे डर के ऊपर चले गए हैं। कोशिश कर रहे आने की। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खा लो। गुड, खा लो यार, बेडर हो के खाओ। मैंने आपको कुछ भी नहीं कहना, माशाल्लाह उसको देख के दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों इनको हैंड टेम करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए लेकिन इनको ज़्यादा मैं वक्त दे नहीं पाता, तो इसलिए बेचारे मेरे हाथ से खा नहीं रहे, बेचारे डर रहे हैं। तो मैं इसको नीचे रख देता हूँ, ये खुद ही खा लेंगे। जैसे मैंने प्लेट रखी है सारे के सारे पैरट्स आ गए खाने के लिए। ओ यार यहाँ पे क्या हो रहा है? मसला क्या है यार तुम्हें? केज के अंदर बंद कर देता हूँ फिर भी लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को चूंचे मारते रहते हैं। दोस्तों मेरे लिए और आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि जो हमारे 8 अंडे मटके के अंदर पड़े थे उसमें से तो एक बेबी निकला है, मैंने आपको दिखाया था, लेकिन बाकी जो 7 अंडे थे वो सारे के सारे ज़ाया हो चुके हैं। हमारी जोधा का भी उसके अंदर अंडा था, बड़ा ही प्यारा नयाब किस्म का, उसमें से भी बेबी नहीं निकला, वो भी ज़ाया हो चुका है, बड़ा ही अफसोस हुआ है। दोस्तों ये हमारा ब्लैक वाला मुन्नू है, इसको चोट लगी थी, कौवे ने हमला किया था इसलिए आपको दिखा नहीं सका 2 दिन। अब माशाल्लाह कुछ बेटर हो गया है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें इस जगह पे कौवे ने हमला किया था, काफी ब्लड निकला था, तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया है। भाई अमाज क्या हुआ? बिसाम ने तोता उड़ा दिया। तोता उड़ा दिया? हाँ। और बिसाम तूने तोता उड़ा दिया? किस तरफ गया? ओ यार वो जा रहा है वो सामने। ओ तेरी खैर, जल्दी आओ यार। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? ओ डक्स। ओ यार डक्स भी डर गई है, इधर आओ जल्दी चलो।
इस तरफ को आया यार। वो बैठा, वो बैठा, जल्दी आओ बिसाम, आराम से आराम से। अब ये आराम से बैठ गया, शायद अब नहीं उड़ेगा। अब इसको मैं आराम से पकड़ लेता हूँ। नहीं भाई मैं पकड़ता हूँ। पकड़ लेगा, चल पकड़, ध्यान से पकड़ी, उड़े ना दोबारा। पकड़ ले पकड़ ले, जल्दी पकड़ ले। ओ यार जल्दी आओ यार, इस तरफ आया, इस झाड़ियों की तरफ आया, ज्यादा उसने फ्लाई नहीं किया। ढूंढो यार जल्दी, ज्यादा दूर नहीं गया, इस तरफ आया था। मैंने इधर देखा या इधर देखा था, इस तरफ आया, जल्दी आओ। दोस्तों हमारे पेट हाउस में कोई भी नया बंदा आता है ना, वो कोई ना कोई नुकसान कर देता है। पिछली दफा मेरे कजन आए थे, उन्होंने हमारे दो जंगली कबूतर उड़ा दिए थे। अभी ये कजन आए तो इन्होंने तोते उड़ा दिए हमारे। कहाँ पे? ओए हाँ ये बैठा, मैं पकड़ता हूँ इसको। पकड़ 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 ले। क्या हुआ है यार? मैं पकड़ता हूँ। अरबाब पकड़ी यार, मुझे भी डर लग रहा है। अरबाब भी आई, ध्यान से पकड़ी, पकड़ ले, डर लग रहा। अब पकड़ ले यार, उड़ ना जाए। पकड़ लिया पकड़ लिया, पकड़, आराम से ले 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 ले, जल्दी भाग जल्दी भाग, हाथ में पकड़ा हुआ है, मर ना जाए बेचारा। काफी चीज है हाथ में। ओ यार इसका दरवाजा अभी भी खुला था, चल छोड़ दे यार। ओए होए बड़ा थकाया यार, काटा तो नहीं है? तू हमारे पैरेंट्स के साथ कर क्या रहा था यार? पानी नहीं पड़ा, मैं पानी डाला। मैंने इसको कहा था कि गेट बंद कर दे, गेट पूरा खुला होता, इसने बंद नहीं किया इसलिए। यार मैंने दाना तो रख दिया था लेकिन पानी रखना भूल गया था, तो अब जब भी आपने दरवाजा खोलना है ना तो मेरे से पूछ के खोलना है। चलो यार पानी पी लो। फिश फाउंटेन में हमारी डक्स ने नहा नहा के पानी चेक करे, कितना गंदा कर लिया, ऐसा लग रहा है जैसे नहरी पानी हो। डक्स नहा के अब केज के अंदर चली गई, अब फिर आ रही है नहाने के लिए। हमें कोई टर्टल और कोई फिशेस नजर नहीं आ रही, सारी मेहनत जाया हुई आज जो हमने की है। एक टर्टल का ये सर नजर आ रहा है, छोटा सा मुझे लग रहा है, बड़े वाला अभी तक यहीं पेट हाउस में घूम रहा है, उसको इधर छोड़ देता हूँ। ये देखो यार फिर लड़ी जा रहे हैं। ओए मसला क्या है यार, तुझे भी बंद कर देना या मैं नीचे ले जाऊंगा तुझे। इसको केज के अंदर डाल के मैंने, तेरी खैर, गब्बर को मैंने छोड़ दिया यार, इसको नीचे ले चलते हैं। दोस्तों मगरिब का टाइम होने वाला, माशाल्लाह इतना अच्छा मौसम बना हुआ है, बारिश भी आ रही है और धूप भी निकली है। इधर चेक करें कितने अच्छे बादल और कितना अच्छा मौसम, वो सामने रेनबो भी बनी हुई है हल्की हल्की सी। और इस तरफ आपको मैं दिखाता हूँ, इधर और ज़्यादा प्यारा माशाल्लाह मौसम है, ये चेक करें। धूप में बारिश हो रही है, सुना है कि धूप में जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।